हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं और इनका उपयोग हम किस लिए करते हैं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं जो डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा डेबिट कार्ड अलग है और क्रेडिट कार्ड अलग होता है, तो इस वीडियो में हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप लोग भी इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के जो भी डाउट होंगे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड के बारे में कि जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड होता क्या है और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। अगर हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो डेबिट कार्ड जो है, डेबिट कार्ड को हम आम भाषा में एटीएम बोलते हैं। जो एटीएम कार्ड होता है इसी को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। जैसे कि मान लिया, जब हम बैंक में कोई भी खाता ओपन करते हैं तो उस अकाउंट का हमें एक एटीएम कार्ड दिया जाता है जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। उसी डेबिट कार्ड की सहायता से हम एटीएम मशीन में उस कार्ड को लगाकर पैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। तो ये होता है हमारा डेबिट कार्ड। तो चलिए हम जानते हैं विस्तार से डेबिट कार्ड के बारे में। तो जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड और कुछ नहीं, बस डेबिट कार्ड वह है जो आपका खाता खोलते समय बैंक द्वारा निःशुल्क दिया जाता है। यानी कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो किसी भी बैंक में, अगर आप चाहोगे डेबिट कार्ड लेना तो इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप इस कार्ड का उपयोग अपने बैंक खाते में जमा राशि का उपयोग करके कुछ भी खरीदने के लिए कर सकते हो, या फिर आप एटीएम मशीन में इसका यूज करके पैसे भी निकाल सकते हो। तो जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का यूज हम मान लिया कहीं पर भी किसी शॉप पर या किसी शोरूम में कोई भी सामान लेते हैं तो इस कार्ड की सहायता से हम वहाँ पर भी भुगतान कर सकते हैं, या फिर हम एटीएम मशीन में इसका यूज करके वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं और हम उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके लिए बैंकों ने एक दिन में अधिकतम भुगतान की सीमा 1,00,000 रुपये रखी है। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है, अगर हम डेबिट कार्ड की सहायता से एक दिन में पैसा निकालना चाहें तो मात्र एक दिन में जो अधिकतम इसकी राशि है 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये तक हम डेबिट कार्ड की सहायता से पैसा निकाल सकते हैं। अगर हम इससे अधिक निकालना चाहेंगे तो एक दिन में नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि उसका जो नेक्स्ट डे आएगा यानी कि अगले दिन हम फिर 1,00,000 पैसे निकाल सकते हैं। आजकल डेबिट कार्ड को आम बोलचाल की भाषा में हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, जो हमने अभी बताया, क्योंकि हम डेबिट कार्ड को ही एटीएम कार्ड भी कहते हैं। क्योंकि इस कार्ड से आप एटीएम मशीन से अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हो। इस कार्ड की सहायता से आप एटीएम मशीन में अपना कार्ड लगाओगे और जो भी इसका पिन होगा पिन इनपुट करोगे, फिर आप अपने अकाउंट से जितना पैसा चाहो उतना निकाल सकते हो, जो भी आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा। आप डेबिट कार्ड के जरिए आप अपने सेविंग या फिर करंट अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। तो ये तो आप समझते ही होंगे कि डेबिट कार्ड की सहायता से जो हमारा सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। अब हम जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, तो चलिए जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो ये भी एक बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का कार्ड होता है। जिस तरीके से डेबिट कार्ड होता है ठीक उसी तरीके से, उसी डिजाइन में क्रेडिट कार्ड भी हमारा होता है। क्रेडिट कार्ड भी हमको बैंक के माध्यम से ही मिलता है और डेबिट कार्ड भी हमको बैंक के माध्यम से मिलता है, पर थोड़ा सा डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक कार्ड है जिसके माध्यम से आप अपनी आय के आधार पर उधार ले सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप अपने बैंक से उस कार्ड के माध्यम से उधार ले सकते हो, लेकिन जो आपकी आय होगी, मंथली आपकी कितनी आय है, उस पर निर्भर करता है कि आप उस अकाउंट से कितना पैसा उधार ले सकते हो। इस कार्ड से आप कोई भी सामान खरीद सकते हो और उसका भुगतान उसी तरह आसानी से कर सकते हो जैसे आप डेबिट कार्ड से करते थे। यह कार्ड आपके खाते से कुछ दिनों के लेन देन के बाद बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आपको बैंक के माध्यम से तब दिया जाएगा, जैसे कि मान लिया आपने अपना अकाउंट बैंक में ओपन किया। जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे फिर उस अकाउंट से लेन देन लगभग 3 मंथ तक करोगे, फिर 3 मंथ के बाद आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा अगर आप लेना चाहोगे तो।
इसलिए यहाँ पे कहा गया है जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है बैंक से कुछ दिनों के लेन देन के बाद बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्योंकि जो डेबिट कार्ड होता है जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करते हो अगर डेबिट कार्ड बनवाना चाहो तो तुरंत डेबिट कार्ड बनवा सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड आप तब इशू करवा पाओगे जब आप अपने उस अकाउंट से कुछ दिनों तक लेन देन करोगे, तब आपको क्रेडिट कार्ड बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। ग्राहकों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। यदि कोई व्यक्ति यानी बैंक ग्राहक छोटी रकम उधार लेना चाहे तो वह बिना बैंक जाए और बिना कोई भी कागजी कार्रवाई पूरा किए वह रकम प्राप्त कर सकता है। अगर उस व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है तो वह अपने बैंक अकाउंट की सहायता से लगभग 50,000 1 लाख रुपए तक का उधार ले सकता है। जिस हिसाब से उस व्यक्ति की आय होगी उसके हिसाब से उसको उधार मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड से भुगतान की जाने वाली राशि की सीमा आपकी आय और बैंकों से किए जा रहे लेन देन के आधार पर तय करती है। यानी कि आप जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करोगे तो आपकी जो राशि होगी उस पर निर्भर करता है, या फिर आप बैंक पे जो भी लेन देन करते हो उस पर निर्भर करता है, तब आपको क्रेडिट कार्ड की सहायता से पैसा मिलेगा। आपको उधार ली गई राशि पर बैंक द्वारा तय किया गया ब्याज भी देना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से बैंक से जो भी धनराशि उधार लोगे उस पर भी हमें ब्याज देना होता है, जैसे 2% 3% इस तरीके से बैंक हम पर ब्याज लगाएगी और हम उस ब्याज को बैंक को देंगे। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप समझ गए होंगे। मान लिया हम बैंक से उधार लेना चाहें तो उधार राशि ले सकते हैं, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। फिर इसके बाद है लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को एक ही चीज़ क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा डेबिट कार्ड होता है और क्रेडिट कार्ड दोनों को समझते हैं एक ही चीज़ है। जो हमारा क्रेडिट कार्ड से काम होता है वही काम हमारा डेबिट कार्ड से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने अभी पीछे देखा भी है डेबिट कार्ड से हम दूसरा कुछ काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड से दूसरा काम करते हैं। दोनों का अंतर अलग-अलग है, बस दोनों सेम एक ही तरीके से दिखते हैं। क्योंकि जो हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं दोनों कार्ड बैंक के द्वारा निशुल्क जारी किए जाते हैं। दोनों कार्ड एक ही बैंक के रंग के होते हैं, यानी कि अगर हम किसी बैंक से कार्ड बनवाना चाहें डेबिट कार्ड जो होगा और क्रेडिट कार्ड दोनों एक ही कलर के होते हैं। ये दोनों एक ही आकार के प्लास्टिक से बने हैं जिन पर बहुत सारे नंबर लिखे हुए होते हैं। दोनों कार्ड को इस्तेमाल करने का तरीका भी एक जैसा है। अगर हम दोनों कार्ड का इस्तेमाल करना चाहें तो इन कार्ड का इस्तेमाल करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम होता है। भुगतान आमतौर पर इन दोनों कार्डों के माध्यम से ही किया जाता है। जो हमारे कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड दोनों कार्ड का इस्तेमाल हम एक तरीके से ही करते हैं। डेबिट कार्ड से हम भी भुगतान कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी हम भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं बैंकों द्वारा ही दी जाती हैं। ये कार्ड बैंक किसी भी कंपनी से डिजाइन करवाते हैं। यानी कि जो हमारा डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड ये जो बैंक होते हैं बैंक किसी ना किसी कंपनी से ही इन कार्डों को डिजाइन करवाते हैं, यानी कि उन कंपनियों से ये कार्ड बनवाते हैं। ऊपर से देखने पर इन कार्डों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों कार्ड के फीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं। दोनों कार्ड बैंक ग्राहक को कहीं भी भागे बिना निकटतम ATM मशीन या POS मशीन से भुगतान कर सकते हैं। अगर हम भुगतान करना चाहें मान लीजिए जो ग्राहक होते हैं बैंक जाएं या ना जाएं वो ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। एक जो POS मशीन होती है उसकी सहायता से भी ये भुगतान कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड तो ये होता है हमारा दोनों का अंतर। फिर यहाँ पे है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में अंतर। कुछ और अंतर दिए गए हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड के जरिए आप केवल अपने बैंक खाते में जमा राशि ही निकाल सकते हैं। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है मान लिया हमने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किया तो हम डेबिट कार्ड की सहायता से केवल 1 लाख ही रुपए निकाल पाएंगे, बल्कि उससे अधिक नहीं, क्योंकि जो भी हमने राशि जमा की है तो डेबिट कार्ड की सहायता से हम वही राशि निकाल पाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप ना सिर्फ अपने बैंक खाते में जमा रकम निकाल सकते हो और खाते में रकम खत्म होने के बाद बैंक द्वारा तय सीमा तक रकम उधार भी ले सकते हो। मान लिया आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड की सहायता से अपने बैंक से पैसा उधार ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड से उधार ली गई राशि पर बैंक ब्याज लेता है।
अगर हम क्रेडिट कार्ड की सहायता से बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो जो बैंक होती है बैंक उस पर ब्याज लगाती है, जबकि डेबिट कार्ड से पैसा निकालने पर कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता। अगर वह व्यक्ति डेबिट कार्ड से पैसा निकालता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर व्यक्ति उधार पैसा लेगा उस पर ब्याज लगेगा, क्योंकि बैंक हमको अगर पैसा उधार देती है तो उस पर ब्याज लगाएगी। अगर हमने पैसा अपना जमा किया है बैंक में और उसे डेबिट कार्ड की सहायता से निकालते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। डेबिट कार्ड से भुगतान सीमा आपके बैंक खाते में जमा धनराशि तक ही होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सीमा आपके बैंक खाता में जमा रकम के अलावा बैंक के द्वारा तय की गई लिमिट तक ही होती है। यानी कि अगर हम डेबिट कार्ड से भुगतान कर रहे हैं तो जो हमने राशि बैंक में जमा की है उतनी ही भुगतान कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर हम भुगतान कर रहे हैं, मान लिया हमारे अकाउंट में रकम नहीं है, फिर भी हम बैंक के द्वारा एक लिमिट होती है उस लिमिट के हिसाब से पैसा उधार ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अधिक लोकप्रिय है क्योंकि इन कार्ड के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी देश में आसानी से भुगतान कर सकते हो। जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है सबसे अधिक प्रचलित है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों अगर हमको भुगतान करना है तो हम क्रेडिट कार्ड की सहायता से भुगतान आसानी से कर सकते हैं, जबकि डेबिट कार्ड से आप केवल अपने देश में ही भुगतान कर सकते हो। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है जिसको हम ATM कार्ड के नाम से जानते हैं, अगर हम इसके सहायता से भुगतान कर रहे हैं तो हम केवल अपने देश में ही इसका यूज कर सकते हैं और इस कार्ड की सहायता से भुगतान कर सकते हैं। डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर बैंक हमसे शुल्क लेता है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ब्याज से भी कम होता है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड से ब्याज मिलता है उससे हमारा कम होगा जो डेबिट कार्ड से शुल्क लिया जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से नुकसान होते हैं। अपने कार्ड का सीरीज नंबर किसी को ना बताएं और ना ही दिखाएं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड तो आप अपने उन कार्डों का नंबर किसी को ना बताएं और ना अपने उस कार्ड का नंबर किसी को दिखाना चाहिए। चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, उसे कभी भी अपना कार्ड नंबर या पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। आप इसे जितना गुप्त रखोगे आप उतना ही सुरक्षित रहोगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या ATM कार्ड तो आप अपने उस कार्ड का नंबर किसी भी व्यक्ति को ना बताएं, चाहे वह आपका कितना खास हो। फोन पर किसी भी को अपने कार्ड की कोई भी जानकारी ना दें। अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो फोन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को उसकी कोई भी जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बैंक फोन के जरिए कोई जानकारी नहीं मांगता, क्योंकि जो बैंक होती है बैंक फोन के माध्यम से तुम्हारी कोई भी जानकारी नहीं मांगेगा। अगर फोन पर कोई तुमसे कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है तो हमें फोन पर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अपने कार्ड को ऑनलाइन स्टोर ना करें। हैकर आपके कार्ड को हैक करके सारी जानकारी हासिल करके आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। आपको समय समय पर अपने कार्ड का पासवर्ड बदलते रहना चाहिए, इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है। अगर आपके पास कार्ड है तो अपने कार्ड का पासवर्ड हमेशा बदलते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपके साथ धोखाधड़ी होने की जो संभावना होती है कम हो जाती है। किसी भी स्टोर या शॉपिंग मॉल या शॉप में कार्ड स्वाइप करने और पासवर्ड डालने के बाद ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद रसीद लेना ना भूलें। अगर आपने किसी भी स्टोर हो या फिर कोई शॉपिंग मॉल हो वहाँ पर अपने कार्ड का यूज करते हो, जो स्वाइप मशीन होती है उसमें यूज करवाते हो, तो वहाँ पर आपका जब ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए वहाँ पर आपको रसीद ले लेनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। बिना चौकीदार वाले या सुनसान जगह पर अगर ATM मशीन लगी है तो उस ATM मशीन में आप अपने डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो उसका यूज ना करें, क्योंकि इस तरह की मशीनों को कार्ड का क्लोन बनाने के लिए करते हैं जो हैकर्स होते हैं। अगर हम इस तरीके की मशीनों का यूज करते हैं तो हैकर उनकी डुप्लीकेट बना देते हैं और यूज करते हैं। ATM मशीन पर अकेले जाएं। अगर वहां केवल एक ही मशीन है तो लेन देन पूरा होने तक किसी अन्य व्यक्ति को अंदर ना जाने दें, और पासवर्ड डालते समय उसे इस तरह ढकें कि आपकी उंगलियों की हरकत उसमें कैद ना हो, यानी कि जो कैमरा होता उसमें भी कैद ना हो पाए। तो ये होते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नुकसान, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन चीज़ों को हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि डेबिट कार्ड क्या होते हैं और क्रेडिट कार्ड क्या हैं, इनका यूज क्या है और इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।